बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन को, जो आजकल हमारे मुल्क में हो रहा है कि किसी भी पर्सन को पॉलिटिकल बेसिस पे जो है वो डिटेन कर लिया जाता है। तो अब इस चीज़ को देखेंगे कि ये जो किसी भी पर्सन को डिटेन किया जाता है, ये किस कानून के तहत किया जाता है और कौन कर सकता है, किसके आर्डर पे किया जा सकता है और इसकी मुद्दत कितनी होती है, कितनी मुद्दत के लिए किसी भी पर्सन को आप डिटेन कर सकते हैं और फिर आया कि उस मुद्दत में तौसी हो सकती है या नहीं और इसकी हमारे पास रेमेडी क्या है कि जब किसी पर्सन को डिटेन कर लिया जाता है तो हमारे पास क्या जो है वो कानूनी इलाही अमल है कि हम उस पर्सन को रिकवर करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक लीगल फ्रेमवर्क है उसको मैं डिटेल के साथ भी इसलिए डिस्कस करूंगा कि चूंकि ये मेरा LLM में थीसिस का भी ये टॉपिक है, रिसर्च टॉपिक है, तो इसका जो एक लीगल फ्रेमवर्क है कि किस तरह जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन का फ्रेमवर्क होना चाहिए, किस तरह किन बेसिस पे और किन हालात पे आप किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकते हैं, आया कि 144 पे ही किसी पर्सन को डिटेन किया जा सकता है या 144 की और भी कोई सज़ा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी साइटेशन है जिसमें बताया गया है कि सिर्फ 144 के होने से, यानी कि एग्जेक्टिव आर्डर के होने से आप किसी भी पर्सन को डिटेन नहीं कर सकते। अगर वो होगा तो उसकी जो पनिशमेंट है, जो पिनल क्लास है, वो 188 जो CRPC है उसके तहत उसको कंटिन्यू किया जाएगा। अब इस सारी चीज़ों को हम डिटेल के साथ देखते हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन बेसिकली है क्या चीज़, इसमें किसी भी पर्सन की लिबर्टी जो है उसको कर्टेल किया जाता है, यानी कि किसी भी पर्सन को इस बुनियाद पे डिटेन किया जाता है कि ये हमारे मुल्क की जो पब्लिक आर्डर है या पब्लिक पीस है या गवर्नमेंट की रिट है उसको चैलेंज कर सकता है या पब्लिक एट लार्ज के लिए जो है वो नुकसान का बायस बन सकता है, तो उस बुनियाद पर किसी भी पर्सन को उसकी लिबर्टी को कर्टेल कर लिया जाता है, उसको डिटेन कर लिया जाता है ताकि माशरे में इंतशार ना फैले और पब्लिक आर्डर जो है वो मेंटेन रहे, पब्लिक पीस जो है वो मेंटेन रहे। अब इसकी जो कानून है उसकी बात करते हैं, तो जो एक मुकम्मल रिव्यू बोर्ड इस पे बैठता है जो इसको रिव्यू करता है कि किन हालात में जो है वो किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकते हैं फिर उसकी तौसी, तो उसका जो तरीकाकार है वो आर्टिकल 10 की क्लास 4 से ऑनवर्ड जो है वो बताया गया है। लेकिन अगर हम मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर 1960 की बात करें तो उसके सेक्शन 3 में ये वेरी क्लियर इसको डिस्कस कर लिया गया है कि अगर कोई पर्सन इंतशार का बायस बनता है या पब्लिक एट लार्ज उससे अफेक्ट होने का खतरा है, यानी कि कोई ऐसा शख्स जो इन फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक आर्डर को ख़राब करने का बायस बन सकता है, तो उसको एग्जेक्टिव आर्डर यानी कि मुतलका जो DC होगा वो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होगी वो मुतलका DC के थ्रू जो है उस डिस्ट्रिक्ट में किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकती है। अब इसको फर्दरेंस इसी को डिस्कस करते हैं कि अब रिव्यू बोर्ड जो है वो उसका क्या पर्पज़ है बेसिकली, तो जब आप किसी पर्सन को डिटेन कर लेते हैं तो उसको 3 माह के लिए जो है वो डिटेंशन में रखा जाता है, तो उस रिव्यू बोर्ड बैठता है। अब रिव्यू बोर्ड जो है वो उसकी कह लें कि उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, उसकी क्या बॉडी होगी, तो अगर तो वो कोई पर्सन जो है वो फेडरल में है, यानी कि फेडरल में किसी पर्सन को डिटेन किया है, तो उसमें फिर चीफ जस्टिस जो हो गए सुप्रीम कोर्ट के, वो प्लस 2 मेंबर और 3 मेंबर पे मुश्तमिल ये रिव्यू बोर्ड होगा जो उस पर्सन को जो है वो देखेगा, उसकी डिटेंशन को रिव्यू करेगा और अगर उनको लीगलाइज या रिजनेबल लगती है उसकी डिटेंशन तो उसको मज़ीद जो है वो 3 मंथ के लिए और फिर उसके बाद फिर 3 मंथ के लिए, यानी कि 9 माह तक जो है वो डिटेंशन में रख सकते हैं। फर्स्ट टाइम 3 माह और उसके बाद 2 दफ़ा मज़ीद उसको एक्सटेंशन दे सकते हैं। इसी तरह अगर प्रोविंस में कोई शख्स जो है वो करता है पब्लिक आर्डर को ख़राब करता है, इंतशार फैलाने का सबब बनता है, तो उसको फिर जो है वो जो मुतलका हाई कोर्ट होगी उसके चीफ जस्टिस प्लस 2 जजेस जो हैं वो उसको रिव्यू करेंगे। और इसमें तो इसमें भी तौसी हो सकती है। इसके बाद अगर हम रेमेडी की बात करें कि रेमेडी क्या है जब किसी पर्सन को डिटेन किया जाता है, तो रेमेडी ये है हमारे पास जो है वो हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाएगी किसी पर्सन की डिटेंशन के अगेंस्ट, और अगर हाई कोर्ट को लगता है कि वो वाकई जो पर्सन है वो रीज़नेबल ग्राउंड्स पे हुआ है डिटेन
या इलीगल डिटेन किया गया है तो उसको फौरन रिलीज कर दिया जाएगा। इस पे एक साइटेशन थी जो 2013 की PCRLJ 1322, जिसमें बेसिकली बताया गया है कि अगर हाई कोर्ट यानी कि कोर्ट को लगता है कि इस पर्सन को जो है वो रीजनेबल ग्राउंड नहीं है या इलीगल तरीके से डिटेन किया गया, तो उस पर्सन को फौरन जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब इसी तरह एक और साइटेशन है जिसमें बताया गया है 2007 PCRLJ 1776, जिसमें बताया गया है कि सिर्फ 144 का जो नफाज है उस पे आप किसी पर्सन को डिटेन नहीं कर सकते। इसके लिए जो है अगर वहाँ आप डिटेंशन करते हैं 144 में, तो उसकी पिनल क्लास जो हमारे पास 188 मौजूद है CRPC की, जिसमें जो है वो पब्लिक ऑफिसर की डिसओबीडियंस उसके आर्डर की हुई है, तो वहाँ उसको सजा दी जाएगी। इसके लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए बेसिकली ये ज़रूरी है कि वो बंदा जो है वो स्टेट की रिट को चैलेंज करने का बायस बनता हो इन फ्यूचर, या वो पब्लिक एट लार्ज को ख़तरा पहुँचाएगा, इंतशार फैलाएगा, जिससे पब्लिक आर्डर जो है वो हमारे मुल्क का ख़राब होगा। तो इस सूरत में आप किसी भी पर्सन की लिबर्टी को कर्टेल कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि किसी पर्सन ने वो ऑफेंस अभी जो है वो कमिट नहीं किया, लेकिन इन फ्यूचर उसे खतरा है कि वो कमिट करेगा, तो उस सूरत में उसको डिटेन किया जाता है। हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें आप डिटेन किया गया, डॉक्टर अब्दुल कदीर जो मौसम पाकिस्तान थे उनको भी डिटेन किया गया, और फिर हाईकोर्ट ने जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनके घर को ही जो है वो कर दिया कि ये घर में ही जो है वो डिटेन रहेंगे। उसके बाद ये रिसेंटली जो साद रिजवी साहब हैं उनको डिटेन किया गया, तो उस पर जो है हमारी कोर्ट हाई कोर्ट ने जो है वो रिव्यू लिया और उनकी डिटेंशन को ख़त्म भी किया। अब जब आप 144 में जो है वो जाते हैं, तो वो बेसिकली अब एक क्रिमिनल प्रोसीजर आपका स्टार्ट हो गया। या अगर किसी पर्सन को वैसे अब कहते हैं कि अरेस्ट और प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या फ़र्क है, तो अरेस्ट में बेसिकली आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो शुरू हो जाता है जब आप 154 में FIR का अंदराज होता है, और उसके बाद वो सारी प्रोसीडिंग चलती हैं। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में बेसिकली अगर हम देखें, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी भी पर्सन ने उसको जो है वो कह लें कि अभी ऑफेंस कमिट नहीं किया, लेकिन इन फ्यूचर हमें खतरा है कि वो कमिट करेगा, तो उस बेसिस पे उसको डिटेन किया जाता है। अच्छा, अब आर्टिकल 10 में भी इसका तरीकाकार बता दिया गया, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर 1960 के सेक्शन 3 में भी बता दिया गया। तो अब बात करते हैं कि अगर आप जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के साथ दूसरे हमारे फंडामेंटल राइट्स भी तो अटैच है ना। अब जो चैप्टर 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 8 से लेके 28 तक हमारे जो है वो फंडामेंटल राइट भी ही हैं। और इसी तरह आर्टिकल 233 में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि एमरजेंसी की सूरत में आप सिर्फ 6 जो है फंडामेंटल राइट उनको सस्पेंड कर सकते हैं। वो कौन से हैं? 15 है, 16, 17, 18, 19 और 24। इसके अलावा आप किसी भी जो फंडामेंटल राइट है उनको सस्पेंड नहीं कर सकते। तो अब आर्टिकल 10 में जब आप किसी पर्सन को डिटेन करते हैं, तो उसकी लिबर्टी एट स्टेक है। आर्टिकल 9 में जो बता दी गई है, उसकी डिग्निटी जो आर्टिकल 10 में बताएगी, 14 में बताएगी, इनडिग्निटी, इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एट स्टेक होती हैं। तो किसी भी पर्सन को आप इस बुनियाद पे जो है वो कर दें। अब इसमें भी दो सूरतें हैं कि पीस टाइम में आप किसी पर्सन को डिटेन नहीं कर सकते, एमरजेंसी की सूरत में डिटेन कर सकते हैं, या फिर स्टेट की रिट को खतरा हो, पब्लिक एट लार्ज को खतरा हो, कि फिर उस सूरत में आप किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो एक प्रैक्टिस चल रही है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बेसिस पे आप किसी भी पर्सन को जो है वो डिटेन उठा लेते हैं, डिटेन कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम, इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, रिव्यू बोर्ड किस तरह काम करेगा। अब अगर हम ये रिसेंटली रिजीम की बात करें जिसमें 3500 से ज़्यादा जो है वो बंदों को डिटेन किया गया है, अब ये बताएं कि पंजाब जो लाहौर हाई कोर्ट है उसके लिए ये पॉसिबल है, उसके चीफ जस्टिस के लिए और प्लस दो जो दूसरे उस रिव्यू बोर्ड का हिस्सा होंगे उनके लिए ये पॉसिबल है कि उस 3500 बंदे को रिव्यू करें और उसके बाद अपनी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो भी देखें। तो इन चीज़ों को, इन लूप होल को भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पूरा प्रिवेंटिव डिटेंशन के लीगल फ्रेमवर्क को डिस्कस करेंगे, और इसमें जो हमारे पास स्टेट लॉ है उनको डिस्कस करेंगे, हमारे पास जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट मौजूद हैं केसेस की सूरत में जो अपेक्स कोर्ट ने जो है वो डिसाइड किए हैं,
साद रिजवी की सूरत में, डॉक्टर अब्दुल कदीर की सूरत में और हाफिज़ सईद की सूरत में, तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के मैकानिज़म को भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।